हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही आप बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हमारे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और नई हेल्दी टिप्स, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि यदि आपकी भी गर्दन में दर्द या अकड़न की समस्या हो जाती है तो आप इन बातों को ध्यान में रखिए, ये आपको बहुत ही जल्दी आराम दिलाएंगी। दोस्तों, क्या होता है कि कई बार जब आप आगा तिरछा लेटकर सो जाते हैं या फिर ऐसा लेटते हैं या फिर आपका हाथ दबाकर आपको लेटने की आदत है तो इस वजह से आपकी गर्दन में दर्द हो सकता है। सोफे पर सिर रख कर लेटने, देर तक फ़ोन में बात करने या ऊँचा तकिया उपयोग करने के कारण भी आपके गर्दन और कंधों में दर्द की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कई बार मांसपेशियों या नसों में दबाव पड़ने से भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें जो है उसे आपको ध्यान में रखना है और ये आपको इस तरह की प्रॉब्लम से बचाएंगी। सबसे पहली चीज़ जो होती है वह आपको करनी है कि अगर आपको देर तक फ़ोन में बात करना है तो आप अपने हाथ जो है उसमें फ़ोन पकड़ने की बजाय और गाल में चिपकाकर बात करने की बजाय आप ईयरफोन या हेडफोन लगाकर बात करें। इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला तो यह कि आप मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन से बचेंगे और कंधों और गर्दन के दर्द की समस्या भी आपको नहीं होगी। दूसरा जो आपको काम करना है वह काम है झुककर काम ना करना। अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं, आपका काम डेस्क और कंप्यूटर वाला है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि शरीर को झुकाकर काम नहीं करें। आप अपनी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसे हमेशा अपनी आंखों की ऊंचाई के बराबर रखें ताकि आपका शरीर और गर्दन जो है उसे नीचे की तरफ नहीं झुकाना पड़े। और झुकाकर काम करने से गर्दन में दर्द होने के अलावा आप लंबे समय तक यदि इस तरह का काम करते हैं तो इससे आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है उससे जुड़ी हुई समस्याएँ भी हो सकती हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ऊंचे तकिए का यूज़ आप नहीं करें। अगर आप सोते समय ऊंचे तकिए का यूज़ करते हैं तो गर्दन के दर्द की समस्या आपको हो सकती है। दर्द होने पर गर्दन के नीचे तकिए का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर करना भी है तो विशेष तरह के सर्वाइकल तकिए का आप यूज़ करें, जो कि बहुत ज़्यादा ऊँचे भी नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं होते हैं, जिससे आपकी गर्दन को जल्दी राहत मिल जाती है। इसके साथ ही कुर्सी और सोफे पर सही तरीके से बैठे। अक्सर लोग कुर्सी या सोफे पर आड़ा तिरछा बैठ जाते हैं जिससे गर्दन के दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। कुर्सी या सोफे पर हमेशा सही मुद्रा में बैठें और कोशिश करें कि हमेशा सीधे ही बैठें। कुर्सी पर एक ही स्थिति में आपको लंबे समय तक नहीं बैठना चाहिए। गर्दन की मांसपेशियों को आराम देने के लिए आप समय समय पर छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें। इसके साथ ही दर्द में बर्फ की सिकाई करने से आपको बहुत ही जल्दी और आसानी से आराम मिलेगा। गर्दन में जो दर्द होता है उसमें बर्फ़ की सिकाई काफ़ी जल्दी आराम देती है। इसके लिए आप बर्फ़ के टुकड़े को कपड़े में बांधकर या पॉलीथीन जो रहती है उसमें रखकर दर्द वाली जगह पर सिकाई करें तो इस सिकाई से सूजन की समस्या भी दूर हो जाती है। गर्दन में मोच आने पर आमतौर पर गर्दन के लिगामेंट और टेंडन में चोट आ जाती है। चोट से राहत के लिए गर्दन को आराम देना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ हफ्तों तक कॉलर का इस्तेमाल न करें ताकि सिर को घुमाने के दौरान लगने वाले झटकों से आप बच सकें। इसके साथ ही मसाज और सिकाई करना, गर्दन के दर्द होने पर गुनगुने तेल से मालिश करनी चाहिए और दर्द में राहत आपको इसी तरह से मिलेगी। मालिश हमेशा आप गर्दन और कंधे की ओर करें तो इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो ये सारी टिप्स आप अपना सकते हैं, ये आपको कई तरह की प्रॉब्लम से बचाएंगी जो कि गर्दन के दर्द के होने की वजह से होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके।